ओके जी, देखें तो मजीद से इसका आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो ये है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स में आपके पास जो है कि बोलते हैं कि एक टॉपिक जो है वो दैट इज एक्चुअली, तो उसको बोलना अच्छा। देखें तो अब जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे अब तक हमने डिसीजन मेकिंग के तौर से वी हैव गॉन थ्रू द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हमने सीवीपी वर्बुल किस्म का कर लिया, भाई अब सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो देखें ऐसा है कि अक्सर और बेहतर आपके पास जो है ना वो रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्राइसिंग के डिसीजंस भी आ जाते हैं, और उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी इम्बेडेड होता है। सही है, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरी कोशिश है मैक लेवल के थोड़े से सवाल आपसे बता दूं। सही है, तो अब जरा देखें यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दिस लर्निंग कर्व। व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग कर्व, थोड़ा सा क्विक रिकॉल अगर मैं कर दूं तो होता कुछ इस तरीके से कि जब भी आपकी लेबर एक रेपिटेटिव काम में इन्वॉल्व होती है तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इनहांस होती चली जाती है, और वो रिफ्लेक्ट होती है इन द टाइम दैट दे टेक। सो बेसिकली द टाइम दे टेक टू परफॉर्म द टास्क इट रिड्यूसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो लर्निंग कर्व इफेक्ट है, वो लर्निंग कर्व इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आप एक काम रिपीटेडली करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट टास्क इज गोइंग टू रिड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व को दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन एक टेबुलर फॉर्म में, एक अलजेब्रिक फॉर्म में। तो मेरे ख्याल में बहुत रेयर केसेस में कभी ऐसा हो जाए तो हो जाएगा आपका अलजेब्रिक फॉर्म से काम ना चले, वरना हमेशा आपका अलजेब्रिक फॉर्म से काम चल जाएगा। सही है, तो यूज दिस अलजेब्रिक फॉर्म फॉर्मूला ओनली फॉर द लर्निंग कर्व, जिसमें आपका वाई जो होता है व्हिच इज द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, आपका वाई होता है दैट इज द एवरेज टाइम पर यूनिट, आपका जो वाई होता है दैट इज द एवरेज टाइम पर यूनिट। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई ये वाई जो होता है दैट द एवरेज टाइम पर यूनिट। अच्छा, और ए क्या होता है दैट द टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट, एक्स क्या होता है दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स, और बी क्या होता है लर्निंग इंडेक्स। लर्निंग इंडेक्स कैसे आता है, दैट्स लॉग लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग 2। लॉग लर्निंग रेट का मतलब क्या है कि अगर 90% लर्निंग रेट है तो इसका मतलब लॉग 0.9 डिवाइड बाय लॉग 2 ये आपके पास लर्निंग रेट आ गया। क्या लग रहा है, ये आपका लर्निंग इंडेक्स है, क्लियर हो गया ना। सही है, अब देखें तो बेसिकली होता कुछ तरह से कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके पास लर्निंग कर्व की मुख्तलिफ तरह से एप्लीकेशन आती है, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ तरह से जो एप्लीकेशन आती है उसको हम जरा वन बाय वन क्विकली डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जाम्पल ले लें कि जहाँ पे आपके पास जो ये डिटेल गिवन है कि आपने पहला यूनिट 10 घंटे में बनाया और आपका लर्निंग रेट था 80% और टोटल प्रोडक्शन जो आपने करी वो 8 यूनिट की प्रोडक्शन करी। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप 8 यूनिट का टाइम बताएं, और दूसरी रिक्वायरमेंट है टाइम फॉर 8th यूनिट बताएं। ये दो रिक्वायरमेंट, मैं रिपीट करता हूँ, क्या है नंबर वन कि पहला यूनिट 10 घंटे में, लर्निंग रेट जो है कितना परसेंट है 80% है, और टोटल प्रोडक्शन जो है कितने यूनिट्स की 8 यूनिट्स की है। आप ये बताएं टोटल टाइम कितना लगेगा फॉर 8 यूनिट्स। नंबर टू आप ये बताएं कि टाइम फॉर द 8th यूनिट कितना हो। बताओ अगर हम बात करें तो इस सारी सिचुएशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें बी चाहिए होगा, तो बी आपका क्या होगा दैट इज गोइंग टू बी लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2। तो कितना होता है लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2 कितना होगा, माइनस 0.8 लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2 सही है, माइनस 0.3 सही है। तो अगर लर्निंग इंडेक्स ना गिवन हो तो ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए तुम लोगों को भाई। सही है, करना नहीं वैसे तो लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2 गिव्स यू नेगेटिव 0.32। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगर मुझे 8 यूनिट्स का टाइम चाहिए तो 8 यूनिट्स का टाइम कैसे आएगा, तो आप कहोगे y इज इक्वल टू a, a क्या है टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8 पावर माइनस 0.3। तो ये आपके पास एवरेज टाइम पर यूनिट आ गया, कितना आ गया जरा बताओ। तो ये इसको मल्टीप्लाई बाय जो भी आ रहा है ना इसको वहीं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो कितना होता 41.1245 आवर्स। आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द फर्स्ट 8 यूनिट्स दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 41.1245 आवर्स। वो किस तरीके से सिंपल है,
आपने y इक्वल टू ए एक्स पावर बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ए क्या है टाइम फॉर x स्क्वायर इज नंबर ऑफ यूनिट, पावर आपका b विद द लर्निंग इंडेक्स, सही है, और लर्निंग इंडेक्स तो ये जो भी टाइम आया है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट वन यूनिट आया, एवरेज टाइम फॉर यूनिट वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट्स, तो गिव्स यू टोटल टाइम फॉर द 8 यूनिट्स। जी भाई आया क्लियर है यहाँ पर, ओके नाउ तो एक चीज तो हो गई टाइम फॉर द 8 यूनिट्स। अब दूसरी सिचुएशन होती है, वो दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपके पास एक और रिक्वायरमेंट थी विच इज टाइम फॉर द 8th यूनिट बता, तो टाइम फॉर 8th यूनिट कैसे निकलेगा, टाइम फॉर 8th यूनिट निकालने का तरीका क्या है कि आप टोटल 8 यूनिट्स का टाइम निकालें और टोटल 7 यूनिट्स का टाइम निकालें और उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी टाइम फॉर 8th यूनिट। So, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे टाइम फॉर 7 यूनिट्स निकालो, तो आपके 7 यूनिट्स का टाइम कैसे होगा 10 इनटू 7 पावर माइनस 0.32 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने घंटे होते 7 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस होते तो कितना होता वो आपने आ जाओ 7 रहेगी, कितना हो गया 37.55। हाँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अभी 3.57। ये आपका हो जाता है टाइम फॉर 8th यूनिट, ये आपको हो जाता है टाइम फॉर 8th यूनिट। नाउ सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फॉर 8th यूनिट, तो टाइम फॉर 8th यूनिट क्या होती है उसको जरा समझ लो। टाइम फॉर 8th यूनिट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्या करोगे, आपने ओरिजिनली ये बात करी 41.1245 इज द टाइम फॉर टोटल 8 यूनिट्स, टाइम फॉर 7 यूनिट्स इज 37.55 आवर, द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज द टाइम फॉर द 8th यूनिट, टाइम फॉर द 8th यूनिट। क्या लग रहा है, तो ये तो हमने कुछ बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग कर्व, जिसमें हमने एक बेसिक लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन रिकॉल कर ली और हमने ये निकाल लिया कि भाई अगर स्पेसिफिक यूनिट का टाइम कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करें, यानी सही। अब देखें कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपको लर्निंग रेट निकालना पड़ जाता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको लर्निंग रेट निकालना पड़ जाता है, सो हाउ वुड यू एक्चुअली गो अबाउट विद द लर्निंग रेट कैलकुलेशन, तो मैं उसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भाई टाइम फॉर जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 आवर्स और टोटल टाइम फॉर 6 यूनिट्स जो है वो 33.5 आवर्स रिक्वायर्ड इज लर्निंग रेट। आप क्या कह रहे हैं टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 10 आवर्स और टोटल टाइम फॉर 6 यूनिट 33.5 आवर्स रिक्वायर्ड, आपका ये कि लर्निंग रेट निकाल, एक मिनट ज़रा ट्राई कर लो। ओके जी, तो अगर हम इस केस के अंदर देखें तो मैं इसमें ये कहूंगा कि यार देखो पहली चीज तो ये कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 6 पावर बी ये देखो 33.5, तो 6 पावर बी इज इक्वल टू 33.5 डिवाइड बाय 60, सही है, तो 6 पावर बी इज इक्वल टू 0. कितना है 0.55558। तो अब आप क्या करोगे b log 6 इज इक्वल टू
log 0.558 तो b की वैल्यू बताएं log बोथ साइड ले लेंगे ना आपको सॉल्व करना है अगर कर देंगे हां माइनस 0.325 तो ये आपके पास क्या आ गया ये आपके लर्निंग इंडेक्स आ गया यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ b दैट यू हैव गॉट नाउ व्हाट वुड हैपन इज b की वैल्यू कैसे आती है log लर्निंग रेट डिवाइड बाय log 2 so what is actually going to happen is log 2 multiplied by log 2 multiplied by minus 0.325 is equivalent to log learning rate so agar aapko isse learning rate nikalna hai to learning rate nikalne ke liye aapko usko basically shift log press karna padega yani 10 power ho jayega sab kuch to kitna hota zara batao 79.8% भाई वो कर रहे ना मैं तो अभी सिखाने जा रहा हूँ ना कि भाई ये क्या कर रहा कैलकुलेटर दिखाना जरूरी भाई कैलकुलेटर पे डायरेक्टली शो करना स्टेप्स के मार्क्स है आधे बच्चों में पेपर इसी चक्कर में फेल होता है क्यों डी की आदत खराब हुई भी होती है सही भाई यहाँ क्लियर है ओके चलो जी भाई मसला तो नहीं है इसमें लेट्स मूव फॉरवर्ड भाई ये समर 17 का क्वेश्चन होगा आपके पास सबके पास यही है समर 17 देख लो वीडियो अगर कुछ और नहीं आएगा हाँ सही समर 17 सिग्मा लिमिटेड